Hello friends, welcome to tough but basic and fundamental question series of Recon online classes. दोस्तों इस सीरीज के अंदर हम गेट या इंजीनियरिंग सर्विसेज के वो क्वेश्चंस लेते हैं जो एक बार तो देखने में टफ दिखते हैं लेकिन बेसिक और फंडामेंटल अप्रोच से इजीली किए जा सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि देखने में आपको ये क्वेश्चन लेवल 3 के नज़र आएंगे लेकिन एक्चुअल में ये लेवल 1 या लेवल 2 के ही रहते हैं, बस देखने का नज़रिया डिफरेंट करना होता है। इसी सीरीज़ में एक क्वेश्चन हमने पहले भी डाला था, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप उस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। और आज हम ले रहे हैं गेट 2019 का क्वेश्चन। गेट 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है जो मैं अभी आपको समझाऊंगा। ये आपको मिलेगा आफ्टरनून सेशन में, आफ्टरनून सेशन का ये क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं, इस क्वेश्चन की डेप्थ को समझते हैं और ये भी समझते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं यूजिंग ओनली बेसिक एंड फंडामेंटल अप्रोच। कोई नई चीज़ नहीं बताऊंगा आपको, सिर्फ जो आपने पढ़ा हुआ है सिंपल है उसी को यहाँ पे सिस्टमेटिकली यूज़ करना था, ठीक है। तो आइए पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं फिर इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो आपको क्वेश्चन दे रखा है एक फिगर के रूप में, ये एक फिगर दे रखी है जहाँ पे आपको ई एफ जी एच चार नोड दे रखे हैं और उन पे कुछ कुछ चीज़ें लगी हुई है। जैसे ई पे एक रोलर लगा है, एफ पे एक मोमेंट लगा है, जी पे इंटरनल हिंज है और एच पे तीन स्प्रिंग लगी हुई है, दो लीनियर स्प्रिंग है के एक्स और के वाई और एक रोटेशनल स्प्रिंग है जिसका के थीटा है और तीनों के कांस्टेंट की वैल्यू, स्टिफनेस के कांस्टेंट की वैल्यू आपको यहाँ दे दी है। के एक्स के वाई 5×10^5 है जबकि के थीटा जो है वो 3×10^5 है। आपको बोला गया है कि अगर एफ जो नोड है वहाँ पे एक मोमेंट लगा दिया जाए एंटी क्लॉकवाइज का 30 kN का, तो आपको बताना है कि इस स्प्रिंग के अंदर कितना रोटेशन होगा। तो इस स्प्रिंग में आपको रोटेशन पता करना है दोस्तों, क्वेश्चन ये है, इज इट ओके। देखने में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस स्प्रिंग को देख के डर जाते हैं, रोटेशनल स्प्रिंग को, इज इट ओके, जबकि कुछ नहीं है, बहुत आसान है। मैं अभी आपको समझाऊंगा तो आपको भी लगेगा कि इतना ईजी क्वेश्चन आ सकता है क्या गेट में, सिर्फ डराने के लिए, टफ बनाने के लिए डायग्राम अलग तरीके से दे दिया गया और 2 marks आप पूरे सिक्योर कर सकते थे। और आपको हार्डली दोस्तों 1.5 से 2 minutes लगेगा क्वेश्चन को समझ के सॉल्व करने में, अगर आपने रेकॉन के वीडियोस लेके रेकॉन के वीडियोस के हिसाब से तैयारी की है तो, इज इट ओके। नहीं ली है तब भी कोई देर नहीं हुई है दोस्तों, ऑनलाइन का जमाना है, रेकॉन ऑनलाइन क्लासेस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपको घर बैठे बहुत ही नॉमिनल प्राइस में वीडियोस प्रोवाइड कराता है, गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज या फिर स्टेट के पीएसयूज के एग्जाम की बात हो, कोई भी एग्जाम हो आप रेकॉन के वीडियोस लीजिए, घर बैठे तैयारी करिए एट ए वेरी नॉमिनल प्राइस। अभी हम लोगों ने प्राइस बहुत रिड्यूस कर दी है, कोरोना का इफेक्ट है, सभी लोग लॉकडाउन की स्थिति में हैं, तो 25% हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, रेकॉन आपको ये भी फैसिलिटी देता है दोस्तों कि आप छोटा सब्जेक्ट लीजिए पहले, कोई ज़रूरत नहीं है हेफ्टी अमाउंट खर्च करने की, छोटा सा कोर्स लीजिए पहले, देखिए कि आप ऑनलाइन सूटेबली तैयारी कर पा रहे हैं या नहीं, क्या रेकॉन के वीडियोस आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरे उतर रहे हैं, तभी पूरा कोर्स लीजिए। इतनी बड़ी फैसिलिटी दोस्तों कोई भी नहीं देता है, पहले छोटा यूज करके देखिए, अगर आपको पसंद आए तभी पूरा कोर्स लीजिए। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, कोरोना के इफेक्ट में लॉकडाउन होते हुए आप घर बैठे बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं जिससे कि आप गवर्नमेंट जॉब पा सकें। जैसे ही कोरोना का इफेक्ट खत्म होगा जॉब्स के एग्जाम्स चालू होंगे एंड यू विल एबल टू क्रैक दोज जॉब। रेकॉन के स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है दोस्तों पिछले 3 सालों में, और चाहे गेट हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो या कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, टॉप 50 में रेकॉन के स्टूडेंट लगातार आ रहे हैं। तो ये ऑनलाइन कोर्स का फायदा उठाइए और घर बैठे तैयारी करिए दोस्तों। चलिए वापस क्वेश्चन पे आते हैं और अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो यहां देखिए एक इंटरनल हिंज दे रखी है जो एक बहुत बड़ा क्लू साबित हो रहा है, ठीक है। एक तो ये इंटरनल हिंज बहुत बड़ा क्लू मिल रहा है आपको और दूसरा ये रोलर, रोलर होने से मतलब क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं आएगी, जीरो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, यानी कि सिर्फ एक वर्टिकल रिएक्शन आएगी। अब आप सभी लोगों को पता है कि
कि अगर इंटरनल हिंज होती है तो वो मोमेंट ट्रांसफर करती नहीं है, तो यहाँ पे आपको एक वर्टिकल रिएक्शन मिलेगी और यहाँ पे आपको एक वर्टिकल रिएक्शन मिलेगी। तो मैं इसको ऊपर बना देता हूँ, इसको नीचे बना देता हूँ और यहाँ पे एक एंटी क्लॉकवाइज का मोमेंट लगा देता हूँ 30। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया आपने अगर यहाँ से इसका लेफ्ट हैंड साइड देख लिया। तो अब आप यहाँ पे मोमेंट ले लीजिए और इंटरनल हिंज की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो हम कह सकते हैं दोस्तों समीशन ऑफ एम जी इज इक्वल टू जीरो। तो अब आपको यहाँ क्या मिलेगा, 30 एंटी क्लॉकवाइज है, तो दिस इज इक्वल टू, मैं इसको आर ई बोल देता हूँ, सो आर ई मल्टीप्लाई बाई 3। तो आपको आर ई की वैल्यू मिल गई दोस्तों अपवर्ड में 10। ठीक है, ये तो क्लियर है दोस्तों, बाकी हम रोटेशन वोटेशन छोड़ दें अभी, तो कम से कम ये तो मिल गया कि आर ई की वैल्यू 10 होगी और यहाँ पे भी ये 10 आएगा। अब इंटरनल हिंज शियर तो ट्रांसफर करता है, हम लोगों को सबको पता है कि इंटरनल हिंज शियर ट्रांसफर कर देगा, तो ये यहाँ पे इस तरीके से 10 आ जाएगा। ये आपको क्लियर होगा दोस्तों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि ये दोनों जब जुड़ेंगे तो वापस जीरो कर देंगे, जो फ्री बॉडी डायग्राम की बेसिक प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे लग जाएगी। इज इट ओके? तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 10 हो गया और ये आपको 3 मीटर की डिस्टेंस दे रखी है, तो ये 3 मीटर है और ये भी 3 मीटर है। ओके, ये 3 मीटर हमने यहाँ यूज भी किया था। अब देखिए यहाँ पे कितना मोमेंट भेजेगा ये 10। ओके, तो ये यहाँ पे मोमेंट भेजेगा 30 का। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये यहाँ पे कितना मोमेंट भेज रहा है दोस्तों, 30 का मोमेंट भेज रहा है, जिसको कौन लेगा, ये स्प्रिंग लेने वाली है। इज इट ओके? और इसका स्टिफनेस कोफिशियंट कितना दे रखा है, 3 × 10^5। तो आप इसको कह सकते हो कि 3 × 10^5 × थीटा। तो ये आपको मिल गया दोस्तों थीटा इक्वल टू 1/10^4। ओके, पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों ये रेडियन है, बस यही छोटी सी एक ट्रिक यहाँ पे खेल दी थी, जिससे टाइम लग ज़्यादा लग सकता है और आप ऑप्शन में गलती ना कर दें, क्योंकि आंसर आपसे डिग्री में पूछा है। ओके, एग्जामिनर स्मार्ट है और आपसे आंसर को डिग्री में पूछ लिया है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये डिग्री में आंसर पूछा है, आंसर आया है 1/10^4 रेडियन। नाउ कन्वर्ट रेडियन इंटू डिग्री, सो थीटा इज इक्वल टू 180/π/1 × 10^4। इसको आप जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये आपको मिलेगा 0.0057। तो यू कैन से कि राउंड ऑफ टू 3 डिग्री कहा है आपने, 3 डेसिमल कहा है, तो आप यहाँ पे ये वैल्यू लिख सकते हैं 0.006। तो 0.006 आ गया। दो चीजों का ध्यान रखना था, डिग्री में आंसर लिखना है, जल्दबाजी में 10^-4 ना लिख दें, ये एक थोड़ा सा आपको ध्यान देने की बात थी। और एक बहुत बड़ी लर्निंग थी दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर, वो आप देखिए, ये दो स्प्रिंग का कोई यूज था नहीं। ओके, ये आपको डराने के लिए दी हुई है, KX और KY कोई यूज नहीं है इसका, सिर्फ डरा रहा है एग्जामिनर, दो और देके सिर्फ मोमेंट को इक्वेट करना था। लेकिन एक चीज अब आप ध्यान दीजिएगा आगे के क्वेश्चन में भी, ये बहुत बार इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट में हो चुका है। मैं आपको एक और चीज यहाँ सिखाना चाहूंगा और वो क्या है उसको समझिए, कि जब यहाँ से फोर्स जाएगा तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स ही जाएगा, इधर कोई मोमेंट नहीं जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये लीनियर स्प्रिंग है। इसको ध्यान दीजिएगा, पूरा मोमेंट यही खत्म कर देगा ये वाली स्प्रिंग, रोटेशनल स्प्रिंग। इधर क्या जाएगा, सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल फोर्स जाएगा, जो कि कोई है नहीं, तो जीरो ही हो जाएगा। ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। इसी तरीके से इधर क्या होगा, आपके सिर्फ वर्टिकल लोड जाएगा इस तरफ, क्योंकि यहां पे क्या है, ये लीनियर स्प्रिंग है, तो ये इस तरीके से आएगा। इज इट ओके? ये आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज है, अभी इस क्वेश्चन में यूज नहीं हुई है लेकिन ये कभी यूज हो सकती है, इसका आप हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों। यहाँ पे हमेशा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगी
और यहाँ पे हमेशा वर्टिकल रिएक्शन आएगी और कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लीनियर स्प्रिंग दे रखी है। हालांकि इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है ये, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट को हमेशा बताता हूँ कि इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दें, आगे कभी एग्जाम में इस तरह की चीज़ें आएँ तो आप कंफर्टेबल रहें कि और कुछ नहीं होगा। इज इट ओके, मूवमेंट ट्रांसफर नहीं होगा, स्प्रिंग जो है लीनियर स्प्रिंग है, जो भी मूवमेंट होना है वो इसी स्प्रिंग के अंदर हो जाएगा। ये आप छोटी सी चीज का ध्यान रखिए, डिग्री का ध्यान रखिए, अटेंटिव रहिए, इस तरह के क्वेश्चंस को और ज़्यादा करिए, 2-3 बार करिए जिससे कि आपके फंडामेंटल क्लियर हो। विद डैट, थैंक यू वेरी मच, कीप इंजॉइंग योर सिविल इंजीनियरिंग एंड हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फन इन योर लाइफ।